गोरखपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने महंगाई, बढ़ते अपराध के साथ तेजी से आसमान छू रही प्याज की कीमतों पर सरकार को घेरने का प्रयास किया। विरोध के तौर पर सपा कार्यकर्ताओं ने गले में प्याज की माला पहनी और स्लोगन गरीबों के आंसू के जिम्मेदार दो गुजराती लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी की ओर से प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट स्थित सदर तहसील भवन के बाहर विरोध जताया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध के दौरान स्थानीय नेताओं ने बढ़ती महंगाई, प्याज के बढ़ते दाम, बढ़ते अपराध, किसान उत्पीड़न, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ठप स्वास्थ्य सेवाओं, आजम खान पर दर्ज फर्जी मुकदमे, महिलाओं बच्चियों के साथ हो रहे अपराध, अल्पसंख्यकों पर लगाए जा रहे फर्जी मुकदमे, बिजली, सड़क और पानी, ठप विकास कार्य, SC/ST छात्रों का निःशुल्क प्रवेश और शुल्क प्रतिपूर्ति समाप्ति करने के समेत कुल 13 मुद्दों पर विरोध जताया।